अभी हम लोग बर्गर खाने आए, ओनली 50 रुपीज का बर्गर मिलता है, चिकन वाला बर्गर है वो भी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज डेट है 1 नवंबर। टाइम की तरफ देखें तो टाइम कुछ हो रहा है, किधर देखें तो टाइम हो रहा है 1:28। आज है 1 नवंबर का मंडे, तो गाइस मैंने जो लास्ट वाला व्लॉग डाला था ना दिवाली की सफाई, जो आज आया है 1 नवंबर को, तो गाइस तुम एंगल ओके, तो गाइस उस व्लॉग में के भाई मैंने ना एक मैंने शॉट लिया था पूरा रूम दिखाने का, जो रूम अभी तक बना नहीं है, और सॉरी बन गया था पर वो उसमें क्लिप में क्या आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरा माइक का कोई इशू था, तो टेक्निकल इशू था, मैंने रिपेयर कर दिया। तो गाइस आइए अपना दिखाते हैं अपना पूरा रूम जो चेंज हो चुका है, आपने सिनेमेटिक शॉट्स में देखा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसके लिए मैंने बनाया है तो आप देख सकते हो, और इस वीडियो को मैं शॉर्ट्स पे भी अपलोड करूँगा, तो वही शॉर्ट पे भी देखना मत भूलना, लाइक कर देना। तो इसमें मिलता हूँ आपको बैक कैमरा करके। दिस इज द रूम, इसको खोलते हैं और ऐसे लेके जाते हैं और कुछ इस तरीके से कैमरा आएगा। फाइनल लुक, रूम का फाइनल लुक। तो ये है अपनी ड्रेसिंग टेबल, ये देखो ये अपनी ड्रेसिंग टेबल, और ये रहा मैं। हेलो, तो ये अपना वार्डरोब जो हमने इतने ही रखा है, इसको छेरा नहीं है। इसके बाद ये बेड, आपको पता ही होगा कि ये बेड इधर था और हमने इधर रख दिया इसको, क्योंकि इधर मेरा शायद बोल रहा हूँ, फाइनल नहीं बोल रहा हूँ, इधर मेरा पीसी आएगा, इसके लिए मैंने हमने बेड को इधर रख दिया। और ड्रेसिंग टेबल आपको पता ही थी इधर होती थी, शॉर्ट्स वीडियो में देखते थे आप लोग, पर ये इधर आ चुकी है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और इधर कुछ काफ़ी इतना स्पेस बच रहा है जिसपे मैं नीचे सोता हूँ, आपको पता होगा, तो इधर मैं नीचे सोता हूँ तो काफ़ी स्पेस बचता है। और ये मैं बेड पे चढ़ के पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ये हमने फर्नीचर कुछ अभी लिया, काफ़ी अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये सेट हमने साथ में लिया था पूरा, तो उस समय मेरी ब्लॉगिंग नहीं थी, पर अभी बेटर है, इसके लिए मैं भी ब्लॉग करता हूँ। तो गाइस और मेरे रोनी जेसवानी मेन चैनल पे फ्री फायर का ऑफिशियल सॉन्ग आ चुका है, तो गाइस इसको भी चेकअप करना मत भूलना, वो फ्री फायर का ऑफिशियल सॉन्ग है, तो इसको भी चेकअप करना मत भूलना। तो गाइस अभी देखते हैं क्या करते हैं और क्या नहीं। सेल्फी स्टिक तो आपको पता है, ये मैं ज़्यादातर अभी इसको मैं सिनेमेटिक शॉट्स में यूज़ करता हूँ, मेरे को कल ही मिली, मैंने दिवाली की सफाई की थी हमने तो इसके लिए वो मिली। और ये मेरा फोटो है जो आपको दिखाने के कुछ काम का नहीं है, और ये मेरी मम्मी का इसमें, और ये इधर कुछ शोपीस पड़े हैं, और तो और इसको खोलते हैं ऐसे, और सबसे पहले ऊपर ये मम्मी का सामान है, और ये विक्स, और ये सैनिटाइजर वगैरह, फिर तेल, और ये मेरा वॉलेट, उसके बाद ये कुछ मेरे पास एयरपॉड्स हैं जो चलते नहीं हैं पता नहीं क्यों, ये मेरा फर्स्ट फ़ोन, दिस इज़ अ फर्स्ट फ़ोन इस मी। उसके बाद ये मेरा सेकंड फ़ोन है, मैंने ये दोनों सेकंड लिए थे, कोई नए नहीं लिए। ये कुछ ये है किताबें बुक्स हैं, और इसके बाद इसको करते हैं बंद। तो इसके बाद इधर आता है, तो ये आपने देखा होगा टेक की वीडियो में, यहाँ से सब निकालता हूँ। और इसके बाद ये है मेरी नीचे बुक्स जो आप लोग देख रहे हो, ये है मेरी पूरी बुक्स जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। ये मैंने हाल ही में रिंग लाइट ये सब अंदर रख दी है, ये देखो ये एक रिंग लाइट, दूसरी रिंग लाइट, और ये OTG वायर जो मेरी बहुत काम की है भाई, निकल गई उनको डालते, तो ये मेरी OTG वायर भी डल चुकी है पीछे होके, इसको कर देते हैं क्लोज। और तो और गाइस, मैं जो प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ वोया का माइक, गोरिल्ला पॉड, ये सब मैं अमेजोन से लिया। आपने देखा होगा कि भैया मैंने कुछ ही कौन सी बाहर की शॉप से लिया, तो गाइस ये मेरे को रियल गोरिल्ला पॉड नहीं है, पर गोरिल्ला पॉड है जो मेरे काम का है। तो इससे क्या होता है कि भाई हाथ में दर्द नहीं पड़ता और काफ़ी ईजीली हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो गाइस इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में, भी मैंने सेल्फी स्टिक लिया उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, क्योंकि मेरे पास कौन सा फ़ोन है, कौन सा नहीं है, और कौन सी ईयरफोन यूज़ करता हूँ, सब कौन सा एडिटिंग का ऐप यूज़ करता हूँ, सबको डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना। तो इसमें मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी हम लोग बनाए खोराक, अगर आपको खानी हो तो कॉन्टेक्ट करें मेरी मम्मी से,
हमी तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हम लोग खुराक बना रहे हैं मेरी बहन के लिए जो उनको देनी। तो गाइस बहुत आवाज हो रहा था उसके लिए मैं फिर से अंदर अपने कमरे में आ चुका हूँ। तो यार देखते हैं बाहर चलते हैं, बाहर जाकर फिर दिखाता हूँ आपको। और मेरा 5 बजे ट्यूशन है। तो मैंने कल मतलब जो परसों ब्लॉग डाला था ना उसमें मैंने बोल दिया था 4 बजे ट्यूशन है, पर मैं 5 बजे ट्यूशन था रेगुलरली 4 बजे होता है, पर पंखा चालू होता है, पंखे को बंद करते हैं पहले। तो फिर मेरा वैसे 4 बजे होता है पर मैंने पता नहीं कि 5 बजे सर ने रखा था तो मेरे को याद नहीं था इसके लिए। तो कैसे अभी फ्रेम नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने गोरिल्ला पॉट का कुछ गोरिल्ला पॉट तो नहीं ऐसे ऐसे पकड़ने में फ्रेम आता है कुछ, तो मैंने हाल ही में ऐसे पकड़ के रखा है क्योंकि मेरे हाथ में दर्द कर रहा है। तो कैसे मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। फाइनली खाना हो चुका है डन। तो यार मैंने थोड़ा सा ही खाना नहीं खाया, बहुत ज़्यादा खा लिया इसके लिए मेरे को अभी आ रही है नींद। तो वैसे अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई है ना ये इधर सो जाऊंगा यानी अभी टाइम के इधर देखें तो टाइम हुआ कुछ टाइम हुआ है 4:13। तो भाई 4:13 हो चुके हैं, तो भाई टाइम हुआ 4:13, 5 बजे उठना है, 5 बजे है ट्यूशन। तो भाई अभी मैं 4:30 बजे के नहाने जाऊंगा, सोच रहा था सो जाऊं पर अभी टाइम नहीं है सोने का, फिर 5:30 बजे जाऊंगा तो 6:30 बजे आ जाऊंगा, 6:30 या 6:15 बजे आ जाऊंगा ट्यूशन से। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं और काम नहीं करते हैं, बाकी जो आप लोग जो बताना वो करेंगे। तो वैस मैंने न्यू लोगो बनाया है चैनल का जो मैं अभी इधर डाल दूंगा, तो वैस आप बताना कि कैसा लगा आपको लोगो। तो वैस कैसा लगा लोगो, तो वैस ये मैंने चैनल के लिए खुद क्रिएट किया है, मेरे को एडिटर से नहीं मंगवाया है। तो वैस मेरे को बताना चैनल का लोगो मैंने हाल ही में ये रख ही दिया है, बाकी आप बताना चेंज करना हो तो मैं चेंज कर दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, उधर मेरे को लोगो भेज सकते हो। तो वैसे मैं मिलता हूँ। फाइनली आज है day number 2, मैंने कल पूरा दिन व्लॉग नहीं किया था, सॉरी परसों। तो वैसे आज की डेट है कुछ 3rd October है, हाँ गाइस 3rd October है, कल दिवाली स्पेशल ब्लॉग आएगा, और सॉरी 5 October को दिवाली स्पेशल ब्लॉग आएगा। तो गाइस मैं जो कहूँ ना तो रेडी टाइम को देखा तो टाइम हुआ 4:30। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको कपड़े पहन के। फाइनली मैं आ चुका हूँ रेडी पूरे, नीचे से मैंने ये लोअर पहनी है वाइट कलर की और वाइट कलर की गंदी। तो गाइस आपको दिख रहा होगा कि भाई मैंने ग्रे कलर की लोअर पहनी है, नहीं पर ये थोड़ी सी ग्रे है, पर है वाइट और कॉटन कैंडी की गंजी पहनी है जो आपको टी शर्ट जो आपको इधर दिख ही रहा होगा। भाई साहब कहाँ से दिखेगा यहाँ से, तो गाइस ये रहा अपनी कॉटन कैंडी की गंजी। तो ये टाइम की तरफ देखें तो टाइम हुआ है कुछ 4:34। हाँ तो गाइस आपने देखा कि भाई मैं कल तो इस आपने देखा था कि भाई मैं कल बम्प सॉरी इससे अगले दिन पे बम्प हो रहा था, तो कैसे मेरे आगे फूटा है वो वाली क्लिप में इधर लगा दूंगा। हाँ तो कैसे आपने देखा होगा कि भाई मैं बम्प हो रहा था तो मेरे को कैसा लगा था, बम्प बहुत बुरी तरीके से लगा था। तो कैसे बाकी कल है दिवाली, तो कैसे देखते हैं कल क्या करना है और क्या नहीं। तो बाकी बताना कि भाई दिवाली पे भी मैं कुछ अच्छे कपड़े पहनूंगा और गई मैं अपने नवे वाले शू भी पहनूंगा क्योंकि आपको पता चल जाएगी। तो गई खाली तो मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, 5 बजे का ट्यूशन। तो वैसे मैं मिलता हूँ आपको ट्यूशन से आके। अभी हम लोग बर्गर खाने आए, ओनली 50 रुपीज का बर्गर मिलता है, चिकन वाला बर्गर है वो भी। तो देखो कैसे बनाते हैं और क्या क्या है, मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ पूरा। ये है इधर हरदानगर से थोड़ा आगे आओगे तभी है, तो जो भी अहमदाबाद में रहते हैं वो लोग टेस्ट करना काफ़ी अच्छा है। और देखो कैसे बनता है, उसके बाद अभी ब्रेड लेंगे। ये 50 रुपीज का है चिकन बर्गर, अरे चिकन बर्गर है ना। तो वैसे ओनली 50 रुपीज का है, और इसको पहले बीच से काटेंगे ऐसे ऐसे काटेंगे, उसके बाद ये इनकी मेयोनीज, ये पहले मेयोनीज डालेंगे, फिर ये चटनी डालेंगे, और इसके बाद वो अंदर केचप पड़ी है वो डालेंगे। ये डाली मेयोनीज केचप ये सब। ओनली 50 रुपीज़ का बर्गर है, चिकन के साथ मिलता है आपको, ये पूरा चिकन लगा हुआ है हीट के साथ। तो ये पत्ता गोभी ये सब डाल रहे हैं।
अभी पैक कर रहा हूँ मैं तो, पार्सल करवा रहा हूँ दो बर्गर और एक देख रहा हूँ और भी कुछ एक पार्सल करवाना है वो पार्सल करवा रहा हूँ। तो ये देखो ये बन गया अपना बर्गर और इसको भी हीट देंगे। पार्सल है? हाँ पार्सल है दोनों। तो इसके बाद बॉक्स में और ये चिकन पिज्जा है, ये ओनली 80 रुपीज का है ना? 80 हाँ ओनली 80 रुपीज का चिकन पिज्जा, ये काफ़ी अच्छा है। ये बॉक्स आ गया, इसके अंदर चिकन है भाई, दो लेके आ, दो है। ये इधर चीज, ये चीज डाली, ये पिज्जा भी बना रहे हैं और मेरा बर्गर लग चुका है, दोनों बर्गर लग चुके हैं। और ये पिज्जा को बॉक्स में डाल के फिर इसको भी हीट दोगे ना? ये हीट हो गया। अच्छा हीट हो गया है, चलो ठीक है ठीक है। हाँ बांधा नहीं है, चलो ये हो गया पार्सल। तो ये देखो अब इनको हीट करने रखोगे ना? तो गाइस अब इसको हीट पे रखेंगे, हीट पे कांदा रखोगे? आ जाओ अंदर, ये रख रहे हैं हीट पे। ये इनका ओवन है जो हीट पे सीधा अंदर बर्गर दोनों जाने देंगे। ये एक रखा, फिर ये रखा दूसरा। तो गाइस चलो आ जाओ चलते हैं बाहर। तो गाइस अभी बन रहा है मेरे लिए शोरमा, शोरमा 50 का है ना, 50 का ये भी। चलो तो ये अपने निकाली पिज्जा ब्रेड पर, ये भी इसको हीट पे डाल रहे हैं। और ये कई दोबारा चिकन को क्रश कर रहे हैं। ये फुल तरीके से आग लगा दी और उसके ऊपर फेंकेंगे, जल जल नहीं जाता है, हल्का नहीं है ऐसे फेंकता है ऐसे। इसके बाद ये इनकी चटनी बतानी कौन सी, और ये सॉस, ये क्या है? वो भी सॉस है। अच्छा वो भी सॉस है, पिज्जा पिज्जा है क्या ये? कुरमा, चिकन चोरमा, चिकन चोरमा ये भी 50 का है। और ये इसके अंदर कैबिज, और ये डाला चिकन यार, फिर से ये डाल के पार्सल और पूरा रोल करके फिर दे दिया। हो गया, अभी चलते हैं घर पे टेस्ट करके बताते हैं। चुके हैं घर पे, टाइम की तरफ देखें तो टाइम हुआ है 7, हाँ हाँ 7:30 हुए हैं। ये बर्गर ये मैंने नहीं अपनी, तो ये मैंने अपने लिए चिकन चूरमा मंगाया है, तो मतलब मैं लेके आया हूँ ये। तो खा के सब अपने रिव्यू देंगे, पहले ये खाएगा, खा वन पीस तो ये अपना रिव्यू देगा, देखते हैं। बकड़े खाया इसने अभी, कैसा है? आपको तुम खाओ, तुम्हें बोलना पड़ेगा। हाँ खाओ खाओ, तुम भी खाओ, टेस्टी करो। ये अपने भाई खा रहे हैं, कैसा है? रुको फोन बज रहा है इनका, थोड़ा बिजी आदमी है थोड़े। तो मैं खाता हूँ अपना चिकन चूरमा, जो रोटी जैसा यानी पिज्जा की रोटी है। हाँ पता है कुरमा यार। तो इसके फुल अंदर पूरा चिकन ढला हुआ, यानी ओनली 50 रुपीस। अभी भी आओ अहमदाबाद में आओ तो ये खाना मत भूलना, अहमदाबाद में हरदानगर बोलना, उधर आ जाएगा। तो सिंधी चिकन दिल्ली वाला है, इतना बड़ा लिखा हुआ है उसके बाजू में ही है, तो आप लोग टेस्ट कर सकते हो। मैं टेस्ट कर रहा हूँ अभी, अच्छा है, मैं भी खा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है, क्रंची टाइप है, अच्छा है।
अच्छा है, खा के मिलता हूँ आपसे, खा के आपसे मिलता हूँ। फिर रिव्यू डॉग की है, कैसा है बताओ? अरे बताओ कैसा है, ये डल गया यूट्यूब पे लाइव है पूरा। अरे इसमें क्या ऑलरेडी गंदा, पर है कैसा, पर ये कैसा है? नानी नहीं खाते हमारे नॉनवेज, मैंने इनको खिलाते ले रही है, हम ही बाइट ले रही है, आवाज पर हम घटा है। तो कैसा है? हाँ कैसा है वाह। तो गाइस दिवाली स्पेशल वीडियो बनने वाली है, जो काफी सारे बॉम्ब्स लेके आ चुके हैं हम लोग, और ये काफी बड़े भी बॉम्ब है। तो आइए एक एक दिखाते हैं कैसे हैं और कैसे नहीं है, दोनों टाइप चालू है। हाँ तो गाइस चलो आइए दिखाते हैं कैसे हैं कैसे नहीं, और कल दिवाली स्पेशल व्लॉग आएगा, जो जैसे दिवाली की सफाई में आपने प्यार दिया था वैसे ही इसको भी प्यार देना। तो गाइस मैं दिखाता हूँ कैसे हैं बॉम्ब। तो गाइस अभी इधर एक पन्नी दो पन्नी और ये कुछ आगे, तो गाइस दिखाता हूँ सबसे पहले कुछ चकली बॉम्ब है, जो हम कितने लेके आए, 1 2 3 4 पता नहीं कितने लेके आए, मेरे लेके आए ये पूरा पैकेट उठा के लाए। इसके बाद आती है चकड़ियाँ, चकड़ी जो 1 2 3 4 ये भी पूरा बॉक्स लेके आए, जो मेरे भाई के लिए, जॉनी के लिए, वो पीछे बैठा है। तो इसके बाद ये मैं और मेरा भाई, ये भी जॉनी के लिए एक दो हम लोग लेंगे। ये माचिस बम मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे हैं, मैं तो खुलता कहाँ से। तो ये माचिस बम में ये कुछ 10 होते हैं, 2 3 4 5 6 10 है। और इसके बाद आता है ये, इसके ये फायर, ये 12 बार ऊपर जाते हैं। तो ये स्काई शॉट्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। ये मैं नहीं चलाऊंगा, ये मेरा भाई चलाएगा ऐसे लेके हम आए। और ये मेरे को लगा दया बना, पर पता नहीं क्या है, ये मिर्ची बॉम्ब है। तो ये हिसाब है पीछे छुपा लेते हैं, चलो आपके आपसे क्या छुपाना है, कुछ पता नहीं किसका हिसाब है, हमारा तो नहीं है। ये मिर्ची बॉम्ब आपने देखे ही होंगे। उसके बाद ये स्पाइडर मैन जो ये दूसरी बॉम्ब, जो देखो ना 50 आते हैं, 50 नहीं आते, 50 से बहुत कम आते हैं। तो इसके बाद आते हैं बटरफ्लाई बॉम्ब, इससे हमारा सीन हो गया था अभी ब्लॉग में, कभी खत्म होगा कैसा है और कैसा नहीं, इससे हमारा सीन हो गया, कभी नेक्स्ट टाइम ब्लॉग में बताऊंगा। ये उड़ते हैं, इसकी वीडियो बनेगी आपको पता है, दिवाली स्पेशल वीडियो आएगी तो आप उसमें देख लेना। बाकी और क्या है, और ये अपने मिट्टी बॉम्ब की पेटी, ये 5 पेटी है, तो ये 4 और ये 5 है, और ये भी कुछ 5 ही होंगे, 1 2 3 ये 4 और ये 5। तो इसके बाद आती है नेक्स्ट भारी, यानी ये स्काई शॉट। ये 3 स्काई शॉट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को, और उसको हम लोग बाद में खोल के दिखाएंगे। तो ये देखो ये भी अच्छे हैं। और इसके बाद आते हैं फाउंटेन, यानी कुआर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है टोटल। और ये वो ये जो मिस्टर इंडियन हैकर ने चलाए थे वो ही है। बाकी कैसी लगी वीडियो तो बताना, अभी पूरा सेट करके फिर दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरी कैसी लगी वीडियो जो मैंने अभी बनाई थी, न्यू टॉपिक के साथ बनाई गई है, काफ़ी सारे अभी ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेरे को खींचना था थंबनेल, जो आपने देखा होगा वो थंबनेल मैंने अभी खींचा है। तो ये मिट्टी बम सब है। तो गाइस सबकी वीडियो कल आएगी, यानी कल दिवाली स्पेशल वीडियो आने वाली है, जो आपके साथ आएगी, सॉरी आपके साथ मतलब कल आएगी, जो मैं दिखाऊंगा हम लोग डेकोरेशन छोटा नहीं हुआ होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो बस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस पर मैं अभी रेगुलर कर रहा हूँ, रेगुलर हाल ही में मैंने बंद कर रखी क्योंकि अभी ब्लॉगिंग में ध्यान था, तो अभी दोनों चीज़ें करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो बस पूरे परफेक्ट है तरीके से, उधर भी जान देगा। तो इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे भी मेरी 2 आईडी हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि भाई मैं
कहाँ से गेयर्स लेता हूँ और कैसे सस्ते पड़ते हैं उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैं कौन से लेता हूँ वो सारी लिंक है अमेजोन से लेता हूँ, तो गाइस उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो गाइस सब मेरे को मिल जाएगा। एडिटिंग का ऐप, एडिट ऐप, थंबनेल का ऐप, ये सब मेरा फ़ोन से ही होता है। तो गाइस आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।